वृंदावन सो बन ही नंद गाँव सो गाँव बंसी बच सो बच नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति में चार पांच बच हैं जिनको अक्षय अमर बोला जाता है, लेकिन का कभी क्षय नहीं होता, जो कभी शेष नहीं टूटते। वर्णन है पुराणों में कि वृंदावने बटे वंशी प्रयागे मनोरथ गयाम अक्षय खातु कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निष्कुंभन खंडंकाया ऐतेधा पंचदा वच ऐतेषु वतमूलेषु सदा निवसती माधव। वृंदावन में वंशी वट, अलाहाबाद में अक्षय वट, गया में बांछा वट और जगन्नाथपुरी में कल्प वट। एक वट निष्कुंभ नाम का वट लंका में, ये वंशी वट है। यहाँ भगवान नित्य वंशी बजाते हैं, यमुना जी का तट है। यहाँ भगवान ने अपनी सबसे विशिष्ट लीला अवतार के प्रयोजन की मुख्य लीला महारास लीला इसी स्थान पर थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने सभी गोपियों का आवाहन किया बंसी बजा के। यहाँ सब गोपी उपस्थित हुई तो जितनी गोपी थी भगवान ने उतने ही रूप धारण कर दिए सभी के संग। जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं, एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण, ऐसे महारास की लीला की। गोपियों के मन में अभिमान आ गया सौभाग्य मद की, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान ने उनके मद को दूर करने के लिए उन सबके बीच में से अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियों को जो विरह वेदना हुई, भगवान की जो स्तुति गोपियों ने की है यमुना के पुलिंद पे, यमुना की रेत में, इसी को भागवत जी में गोपी गीत बोलते हैं। तो भगवान उस स्तुति को सुन के बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। रास की लीला आरंभ हुई तो उसका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर यहाँ पे आ गए कि मैं भी भगवान की लीला के दर्शन करूँ। यहाँ आए तो प्रवेश नहीं मिला कि कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो भगवान शंकर यहाँ पे गोपी बन करके आए। गोपी बन के आए तो भगवान पहचान गए, उनको बोला आइए गोपीश्वर, तभी से नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर नाम से बोला तो राधा रानी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। एक नई गोपी को भगवान ने गोपीश्वर बना दिया। तो राधा जी रुझ गई और रुझ के चली गई यमुना के दूसरी तरफ। वहाँ जाके वो बैठी हैं, उनके नेत्रों से जल गिरा, जल से एक सरोवर बन गया, उसका नाम है मान सरोवर। ये भगवान की रासस्थली है, 5,500 साल पुराना स्थान है बंसी बट। सभी शास्त्रों ग्रंथों पुराणों में भगवान की लीला के संबंध में जहाँ भी चर्चा होती है उसमें बंसी बट का वर्णन अवश्य होता है। कहते हैं कि श्रीमान रास रसारम ही बंसी बट तपेस्त कर्षण वैणु शनि गोपी गोपी नाथ श्रीयो स्तुत है। तो भगवान ने यमुना तट वंशी बट पर दिव्य गंगा करके सभी गोपियों के हृदय का आकर्षण किया, सभी की कामना पूरी।
ये भगवान की रास स्थली, यहाँ भगवान ने बंसी बजाई है, आज भी भगवान बंसी बजाते हैं, आज भी भक्तों को भगवान की बंसी सुनाई देती है। सूरदास जी का पद है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोय पठायो, चार पहर बंसी बट भटको सांझ पड़ी बराए। भगवान स्वयं बोलते हैं कि चार पहर का मतलब होता है 12 घंटे, आज भी बंसी बजती है। भक्त लोग यहाँ भगवान को बंसी दान करते हैं, जानते हैं ले आते हैं, यहाँ बंसी रखिए, बंसी मिलती है उसकी कुछ दक्षिणा दे के संकल्प बोल के भगवान को बंसी का अर्पण करते हैं। ये भगवान की रास स्थली, अत्यंत प्राचीन स्थान, रसिकों की भूमि, बंसी पर।